हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता ही है, डेली दिन में 12 बजे आप जीके क्लास करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का एक सीएचएसएल का सेट होता है जीके का, उसका पूरा एनालिसिस करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, क्यों पूछे गए हैं, आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम कवर अप करते हैं, जो कि आपकी जीके को धीरे धीरे काफी इंप्रूव कर रही है। उम्मीद है काफी लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा होगा और आज वापस से 25 क्वेश्चन आप कवर अप करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन 2007 विच मॉन्यूमेंट वॉज डिक्लेयर्ड ए विनर ऑफ द न्यू सेवन वॉन्डर्स ऑफ द वर्ल्ड। सात वॉन्डर ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के जो नए जो सात आश्चर्य जो स्मारक होते हैं उसमें से कौन सा इंक्लूड किया गया था, ये आपको बताना है हमारे इंडिया में से। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। और काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर स्टार्ट कर दिए हैं, ये लोग आंसर दे रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। सेवन वॉन्डर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये पता होना कि जो सेवन वॉन्डर्स है ना ये होते क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आप देखिए आपके सामने इमेज होगी जिसके अंदर सेवन वॉन्डर्स दुनिया के लिखे हुए हैं। आपका आंसर तो बिल्कुल सही है, जो कि ए आंसर है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ना सेवन वॉन्डर्स, आपको ये सब पता होने चाहिए। सेवन वॉन्डर्स आपके सामने है, पहले तो गीजा के पिरामिड कहां पर है, इजिप्ट के अंदर है। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए पेट्रा कहां पर है, तो पेट्रा कहां पर है, जॉर्डन के अंदर है। इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कई बार पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है सेवन वॉन्डर कौन से है और कहां पर है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सभी को पता ही है, चाइना में कोलोसियम इटली में, वैसे ही और ये इज्जा है इज्जा मैक्सिको के अंदर, वैसे ही पैचू पेरू में, ताजमहल इंडिया में और क्राइस्ट द रेडीमेड ये ब्राजील के अंदर, रियो के अंदर। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने और इनमें से कई बार पेपर में पूछते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इमेज एक और है आपके पास में, वो भी देख सकते हैं आप। ये सेवन वॉन्डर्स ऑफ द वर्ल्ड की है, 2007 में अनाउंस करे गए थे और एक इनिशिएटिव था, यानी कि मिले 2000 जब आई थी ना तब ये इसको स्टार्ट किया गया था और 200 मॉन्यूमेंट के अंदर से इसको सेलेक्ट किया गया था, ठीक है। और ये सब आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र जी बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट में क्या अंतर है। फंडामेंटल राइट आपके, देखिए फंडामेंटल राइट वो राइट है जो कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के अंदर तो जिद बहस हो सकती है, लेकिन वहां पे स्कोप होता है आर्गुमेंट करने का। फंडामेंटल राइट्स में जिद बहस करने का आर्गुमेंट नहीं होता है, वो आपके अप्लाई होंगे ही होंगे, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है दोनों के अंदर, ज्यादा मेजरली अंतर नहीं है, लेकिन ये कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट तो संविधान में जो जो आर्टिकल लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हैं। अगर आप बोलोगे कि 375 है, 367 है, जो भी आर्टिकल्स हमारे लिखे हुए हैं वो सारे आपके राइट्स हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली आप पूरा का पूरा देश चलता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को संभालने के लिए, उसको हमेशा अपनी इज्जत मेंटेन करने के लिए बनाए गए, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और सतीश जी भी यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी सभी लोग सेकंड वाले का सही आंसर देंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट गाइज। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो था, दीपा मेहता वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर फॉर द मूवी वॉटर इन द कैटेगरी ऑफ। तो दीपा मेहता हमारे देश की एक बहुत जानी मानी एक डायरेक्टर है, केतन मेहता की वाइफ है, जिन्होंने वॉटर मूवी को बनाया था 2005 के समवेयर बनाया था, जिसमें जॉन इब्राहिम भी थे। तो उस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। देखिए फ्रेंड होता क्या है, तीन चीजें होती है। एक तो होता है कि इंडिया ने मूवी को भेज दी, इंडिया ने मूवी को, हर एक देश अपनी अपनी एक मूवी भेजता है, पता है ना आपको। इंडिया ने जैसे कि 2017 में न्यूटन को भेजा था जो कि बाहर हो गई, तो जो बाहर हो जाती है शुरू में उसको तो हम बोलते हैं नॉट नॉमिनेटेड। इंडिया की मेजरली मूवी इसी वाली कैटेगरी में आती है, नॉट नॉमिनेटेड में। फिर होती है नॉमिनेटेड, उसके बाद होता है वॉन। आज तक हमने जीता तो कुछ है नहीं, आपको पता है ना, किसी भी मूवी ने जीता नहीं है भारत की। इसके अलावा नॉमिनेटेड की बात करें तो मैंने आपको बताया था मदर इंडिया थी, लगान थी, और इसके अलावा सलाम बॉम्बे है, और साथ में नॉमिनेटेड की कैटेगरी के अंदर, नॉमिनेटेड की कैटेगरी के अंदर ये भी है, कौन सी अपनी दीपा मेहता की वॉटर, ठीक है, वॉटर भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पिक्चर क्या है, नॉमिनेटेड है, ओके। तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सी कैटेगरी के अंदर, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म।
हम जो भी हमारी मूवीज भेजते हैं वो फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के अंदर ही भेजते हैं। तो आंसर यहां पे क्या है, ठीक है, डी इसका सही आंसर है। तो आपका आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। और ये तो आपको पता है ना, ओरिजिनल स्कोर और ओरिजिनल मिक्सिंग इसके लिए तो AR रहमान को मिला था। आप देखिए, आपके सामने इमेज होगी, ठीक है। अब ये वाटर मूवी की इमेज है, इसके अलावा नेक्स्ट आपके सामने एक और होगी, जो कि सारे के सारे जितने आज तक लोग नॉमिनेट हुए हैं, जितने भी आए ना, वो सारे के सारे इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, ठीक है। अब आपके सामने शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बोल देता हूं। देखिए, नॉमिनेटेड के अंदर कौन कौन सी है, सबसे ऊपर देखिए, एक तो स्माइल मर्चेंट है सबसे पहले नॉमिनेटेड, उसके बाद में विधु विनोद चोपड़ा, किस मूवी के लिए, एनकाउंटर विद द फेसेस, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई थी उसके लिए नॉमिनेटेड है। मदर इंडिया की महबूब खान की मूवी थी मदर इंडिया, वो तो नॉमिनेट हुई। तो ऊपर की तीन तो नॉमिनेट हुई, उसके अलावा ठीक है, भानु अस्तिया जी ने गांधी मूवी के लिए ऑस्कर जीत लिया कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। उसके बाद तीन और नॉमिनेटेड है, कौन कौन सी, रविशंकर को नॉमिनेशन मिला गांधी के लिए, उसके अलावा इस्माइल मर्चेंट को मिला, और मीरा नायर को सलाम बॉम्बे के लिए नॉमिनेशन मिला। उसके बाद में सत्यजीत रे को ऑस्कर मिल गया, ऑनररी ऑस्कर था अचीवमेंट के लिए, उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद में आपके वापस से इस्माइल मर्चेंट नॉमिनेट किया गया इनको, उसके बाद में दो बार इस्माइल मर्चेंट है, आशुतोष गवारी के लगान के लिए है, उसके अलावा अक्षय ये ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट दीपा मेहता भी है जो कि वाटर के लिए है। उसके बाद में तीन बार रसल पुटकी, AR रहमान और साथ में AR रहमान और साथ में गुलजार, इन तीनों ने जीता ही था ना स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए, वो सब आपको पता ही है। और लास्ट में सलाम बॉम्बे, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सारी मूवीज आपके इसके अंदर एड ऑन हुई है और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पेपर में कवर होती है। ये पूरा का पूरा पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो जो नॉमिनेट हुआ है वो भी हमने डिस्कस किया है, साथ के अंदर किस किस को अवार्ड जीता है वो भी हमने डिस्कस किया है, और कौन कौन से इंडियन है जिन्होंने फॉरेन लैंग्वेज की तरफ से, ठीक है। और यहां पे जूम करने के लिए बच्चे बोल रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बोल दिया मैंने, वैसे बार बार इसको एक बार नहीं कई बार डिस्कस करेंगे। इस बार क्या थोड़ी इमेज छोटी है, अगली बार मैं आपको उसको दो तीन पार्ट्स के अंदर कट करके मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हमेशा कई बार इसको आएगा आएगा, ओके, तो कई बार ये रिपीट होगा और मैं वापस से इसको आपके साथ में एक्सप्लेन जरूर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों का गलत हुआ है कोई इशू नहीं है, तो आंसर यहां पे ठीक है आपको पता चली गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि कौन सा है, मायोपिया। मायोपिया अफेक्ट विच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गन, मायोपिया आंख के कौन से पार्ट को खराब करता है, ये आपको बताना है। आपको पता है ना इसके बारे में, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मायोपिया, हाइपर मायोपिया। देखिए आज अब पहले भी मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं करी है कोई कंसर्न नहीं है, जो लोग लेट आए अभी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, दो तीन क्वेश्चन ही कवर अप हुए हैं, काफी बच्चे लेट भी आए हुए हैं, ठीक है, तो कोई कंसर्न नहीं है फ्रेंड। आंसर यहाँ पे जो आ रहा है, सी इसका सही आंसर आ रहा है, सभी को पता ही होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आईज का ये डिजीज है। अब देखिए दो तरीके का होता है, एक तो मायोपिया होता है, इसको बोलते हैं नियर साइटनेस, यानी कि आपको पास का तो बिल्कुल सही दिखाई देता है, पास का तो आपको सही दिखाई देता है, ठीक है, दूर का नजर नहीं आता। मायोपिया के अंदर होता क्या है, जो रेटिना होता है ना, रेटिना जो हमारी इमेज है वो आगे बनती है, इसमें हमारे रेटिना के यहां पे नहीं बनती, नॉर्मल आइज में तो यहां पे इमेज बनेगी, लेकिन यहां पे इमेज बनती है, ठीक है। ये नियर साइटनेस, नियर का मतलब क्या है, पास का आपको नजर आता है, यानी कि दूर का नजर नहीं आता है, जैसे कि मुझे, ठीक है, मेरे को दूर का नजर नहीं आता था, तो मैंने कॉनकेव लेंस पहन रखे हैं, कॉनकेव लेंस, दूर के लिए कॉनकेव लेंस काम में लिए जाते हैं। वैसे ही हाइपर मायोपिया अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, इसके आगे एच वाई लगा दो, हाइपर, ओके, इसको नियर की जगह क्या कर दो, फार कर दो, इसको नियर की जगह फार कर दो, इसके अंदर दूर का दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि दूर का सही रहता है आपका। हाइपर मायोपिया में दूर का आपको दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता है। ऐसे वाले केस के अंदर कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे। इसके अंदर होगा क्या कि जो आपकी इमेज है ना वो पीछे की तरफ बनेगी, ठीक है, एक्चुअली में बननी तो यहां चाहिए, बनकर रही है यहां पर बन रही है रेटिना के, तो इसकी वजह से आपको पास का नजर नहीं आ रहा है। हाइपर मायोपिया जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो ज्यादातर लोगों के होता है, देखते ना अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो ज्यादा ओल्ड एज में होता है हाइपर मायोपिया, यंग एज में क्या होता है, मायोपिया होता है, ठीक है। उम्मीद है कि सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे।
और बिल्कुल सही है, काफी बच्चों ने आप में काफी बच्चों ने आप में सही आंसर दिया है। और आप साथ में कुछ इमेज भी देख सकते हैं जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने इमेज है जिस जो कि हाइपर मायोपिया और मायोपिया की है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ना जो लेंस इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, सनलाइट कहाँ पे आ रही है, ठीक है। आगे बन रही है तो कौन सा है, मायोपिया है, और पीछे बन रही है तो कौन सा है, हाइपर मायोपिया है। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, ये देखिए नॉर्मल विजन देखिए बिल्कुल सेंटर के अंदर बन रहा है। नॉर्मल विजन कहां पे बन रहा है, सेंटर के अंदर। मायोपिया आगे हो रहा है और हाइपर मायोपिया पीछे। देखिए जीके पढ़ने का बेस्ट सीन यही होता है फ्रेंड कि आप चीजों को समझे। अभी तक आपने पेपर में बहुत बार पढ़ा होगा हाइपर मायोपिया मायोपिया, लेकिन होता क्या है ये समझना जरूरी है। कहां पे हमारी इमेज बन रही है, क्यों हमें ये लेंसेज लगे हुए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हो रहा है हमारी आंख में कि हमें दूर का नजर नहीं आ रहा, तो ये सब अगर आपको बेसिक चीजें पता लगेगी तो साइंस जो साइंस है और जो जीके पढ़ने का मजा क्या अपना डबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर फ्लावर्स को लेकर कि कौन निम्नलिखित में से कौन फूल धारण करते हैं, फूल धारण करने वाले बताना है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। पहले भी कल की क्लास में मैंने आपको बायरोफेटा, उसके अलावा पैटोफेटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नियोस्पर्म, सारे के सारे मैंने आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किए थे। और अगर आपको अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो वापस से मैं आपको चारों के एक्सप्लेनेशन दूंगा। वापस से वही इमेज में अपन वापस से डिस्कस करेंगे जिम्नियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। तो काफी बच्चे यहाँ पे पूछ भी रहे हैं। तो आपके सामने इमेज है, अब देखिए इस इमेज के अंदर आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है ना। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं बैरोफेटा से। बैरोफेटा देखिए इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो फाइलम और जाइलम होते हैं ना, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, वो इसके अंदर नहीं होते हैं। फ्लावर भी नहीं होते हैं। वैसे पैटेटोफेटा के अंदर देखिए इसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज होते हैं लेकिन लीव्स में और रूट में नहीं होते, और फ्लावर भी इसमें नहीं होते। जिम्नियोस्पर्म में देखिए वस्कुलर टिश्यू होते हैं लेकिन फ्लावर नहीं होते, और एंजियोस्पर्म में फ्लावर भी होते हैं और साथ में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नीचे वाला देखिए वस्कुलर टिश्यू और लीफ फ्लावर्स में, तो वहां पे आपके सामने है। तो उम्मीद है कि आपने सही आंसर दिया होगा। आंसर क्या होगा इसका, डी, एंजियोस्पर्म इसका सही आंसर होगा। तो आपने जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, और ये सारे के सारे कैटेगरीज होती है। ओके, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और ठीक है काफी बच्चों ने यहाँ पे जो आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। और काफी बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो आउट ऑफ द हार्ट थ्रू द, यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त के किसके माध्यम से हृदय के बाहर निकलता है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहां पे एक कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे हैं जो कि इसको लेके गलत करते हैं। जब हम हार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, हार्ट पढ़ते हैं तो आपको देखिए बॉडी में होता क्या है कि अपने बॉडी में एक तो आर्टरी होती है, ठीक है, और एक वेन्स होती है। हमारी पूरी बॉडी में आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। वेन्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, कैरी करके ऊपर लेके आती है, वापस लेके आती है, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी बॉडी के अंदर है, ये पाइप की तरह हमारी बॉडी के अंदर, समझते हो ना आप, जैसे पाइप होते हैं ना वैसे है, एक तरफ जाने का और एक तरफ आने का, इस तरीके से। लेकिन जब हम हार्ट के अंदर आते हैं, जब हम ह्यूमन हार्ट पढ़ते हैं, तब थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस हो जाता है। कैसे, ये देख सकते हैं। देखिए अब जब हार्ट में पढ़ते हैं ना तो आर्टरी, इसको बोलते हैं पुलमेरी आर्टरी। अब ये जो है ना आर्टरी, ये आपके हार्ट से बाहर जब लेके जाएगी तो कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ओके। और यहां पे जो वेन्स वापस लेके आएगी, पुलमेरी वेन्स, वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि O2 वाला, ठीक है। ये O2, यहां पे CO2, यहां पे CO2 हो ही गया और यहां पे O2। तो डिफरेंस क्या हुआ कि बॉडी में तो आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन लेके जा रही है लेकिन
हमारे हार्ट के अंदर जो पुलमेरी आर्टरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही है, वापस क्या लेके आ रही है, पुलमेरी वेन्स लेके आ रही है हमारे लंग्स में से पूरे गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है, उसके बाद में होने के बाद में पुलमेरी वेन्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रही है और ऑर्टा के थ्रू हमारे पूरी बॉडी के अंदर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज रही है। किसके थ्रू? ऑर्टा के थ्रू। तो आंसर यहां पे क्या होगा? ठीक है, आंसर यहां पे ए होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस वाले कंसेप्ट में कंफ्यूज होते हैं, आपको ध्यान रखना है। हमारी बॉडी में, वापस से बता रहा हूं, आर्टरी ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाती है, ठीक है, लेकिन यहां पे हमारे हार्ट में पुलमेरी जो आर्टरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले को लेके जाती है। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी वेन्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, लेकिन पुलमेरी वेन्स ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट, ध्यान रखना है। और काफी बच्चों ने यहाँ पे जो आंसर है वो सही दिया है, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो गए हैं, यहाँ पे मंजीत जी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, एक वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए उल्टा है। ठीक है, उल्टा है, जैसे कि आर्टरी जो काम हमारे बॉडी में करती है ना, उसका उल्टा होता है पुलमेरी आर्टरी का काम। ये तो सिंपल सा याद रखिए, ये बॉडी में आर्टरी लेके जाती है ऑक्सीजन, लेकिन हार्ट में पुलमेरी आर्टरी लेके जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैप के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप एक मैप देख सकते हैं, देखिए ये आपके सामने है। अब इसमें समझने की कोशिश करिए, ऊपर सुपीरियर वेना कोवा से तो अपने ब्लड बॉडी के अपने हार्ट के अंदर आया और पुलमेरी आर्टरी से चला गया। पुलमेरी आर्टरी से कौन सा वाला चला गया? डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो हमारे लंग्स में चला गया और वापस कहां से आया? पुलमेरी वेन्स में से वापस आया ऑक्सीजन लेकर। हमारे लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हुआ, CO2 कन्वर्ट हो गए किसमें? ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन वाला कौन लेके आ रहा है? पुलमेरी वेन्स लेके आ रहा है और फिर ऊपर में जो रेड कलर का जो ऑर्टा है ना, वहां से पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है, यानी कि पूरी बॉडी में वहां से ही जा रहा है। इतना सा कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और काफी बच्चों को इसको समझ में नहीं आया है, तो इसके अलावा नेक्स्ट इमेज भी देख सकते हैं आप। अब देखिए जो ब्लू वाला है ना, वो तो सारा कौन सा है? जो कि सारा का सारा ब्लड आपके लंग्स में जा रहा है, और जो रेड वाला है वो वापस आके पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है। ओके, काफी बच्चे, सौरभ जी भी कंफ्यूज हो गए, कितनी बार बर्थडे सेलिब्रेट करते हो आप आकांक्षा जी। ठीक है, अब देखिए यहां पे सिंपल सी एक चीज आपको समझनी है, जिन लोगों को कंफ्यूजन हुआ है वापस से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, देखो आपकी पूरी बॉडी के अंदर पूरा ऑक्सीजन जाता है, आपको पता है आपका हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करने का। पंप करेगा तो पूरी बॉडी के अंदर क्या जाएगा? जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? आर्टरी के थ्रू जाएगा। ठीक है, आर्टरी के थ्रू जाएगा, वापस CO2 लेके आएगा, वापस से गैसेस का एक्सचेंज होगा हर एक बॉडी के पार्ट में, और फिर CO2 वापस आएगा अपनी बॉडी में से नीचे से ऊपर, तभी तो हम रिलीज करेंगे। तो वो कौन लेके आएगा? वेन्स लेके आएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद लेकिन हार्ट के अंदर थोड़ा सा अलग फंडा है, यहां पे पुलमरी आर्टरी जो है ना वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो हमारे लंग्स तक लेके जा रही है, और वापस कौन सा लेके आ रही है? वेन्स लेके आ रही है कौन सा? ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो उल्टा है कुल मिला के दोनों। अगर आपसे पुलमेरी वेन्स क्या लेके जाती है ये पूछा जाए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड आंसर करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टरी क्या लेके जाती है तो आपको ऑक्सीजन आंसर करना है, अगर आपको पूछा जाए पुलमेरी वेन्स क्या लेके आती है तो वो ऑक्सीजन लेके आती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ वेन्स क्या लेके आती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है। तो कुल मिला के दोनों के अंदर उल्टा है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत बार ये क्वेश्चन आएंगे और मैं कई बार उसको वापस से भी रिपीट करूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है जिसका गलत भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को जो सह संयोजी आबंध है उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, और काफी बच्चों ने यहां पे जो आंसर यहां पे मुझे उम्मीद है काफी बच्चों का सही आएगा। ओके, काफी बच्चों ने यहां पे आंसर दिए हैं, और देखिए कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है सबसे पहले वो समझिए। ठीक है, आपके सामने एक इमेज होगी जिसमें आप देख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। देखिए अक्सर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है,
उसको हम क्या नाम बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नाम बोलते हैं। अगर दो एटम्स के अंदर होगी तो हम उसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोल देंगे, भाई मॉलिक्यूल एटम से तो बनता है, ठीक है। तो अगर दो और दो से ज्यादा एटम्स की अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इमेज जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग मैंने आपको बताई थी। अब नेक्स्ट और देखिए, कुछ एक और इमेजेस आपके सामने है जो कि किसको लेकर है, ठीक है, हाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग वही है कि आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करोगे और उससे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही है। तो ये सिंपल सिंपल से जो टर्म्स होते हैं ना फ्रेंड, पोलर बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, आयनिक क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये ऐसे बेसिक बेसिक से टर्म्स को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, वापस से आज आपको बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है आपसे। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया, जो सल्फर और क्लोरीन है कैन हैव व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, तो जो सल्फर और क्लोरीन है इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, काफी स्टूडेंट ने यहां पर सही दिया आंसर। और देखिए, सल्फर और क्लोरीन के बारे में पूछा गया है कौन से टाइप का बॉन्ड है, चार ऑप्शंस आपके सामने है। वापस मैं आपको बता रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, ये सब क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड तो समझ में आ गया ना, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और उनके बीच में बॉन्डिंग होती है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, पोलर और नॉन पोलर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है, किसकी कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कराने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो उसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो उसकी पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कितना कोई कितना अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्शन जो है ना, कितना अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम जो टेबल होती है ना हमारी, जो उसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलर, अगर पोलर कौन से होते हैं, ठीक है, पोलर बॉन्डिंग किनकी होती है, जिनकी 0.3 से कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे नॉन पोलर कौन से होते हैं, 0.3 से 1.7 के बीच वाले। वैसे ही आयनिक भी होते हैं, आयनिक बॉन्डिंग या आयनिक, तो वो 1.7 से ग्रेटर वाले होते हैं। सिंपल सी बात है, कितनी अट्रैक्शन करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है, वो पोलैरिटी होती है। पोलर नॉन पोलर उसी को तो कहते हैं, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, नीचे जाते जाओगे घटती जाएगी। और इनके पोलर कौन होते हैं, जिनकी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 0.3 से कम होती है, नॉन पोलर की इनके बीच में और आयनिक के इसके बीच में। इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल सही कहा है प्रियंका गौतम ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, कितनी आपकी टेंडेंसी है, और बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज भी होगी, ठीक है। काफी बच्चों ने यहाँ पे जो आंसर दिया है वो सल्फर क्लोरीन को लेके, पहली देखिए इमेज आपके सामने है, जैसे Na है उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है शेयर करने को, ठीक है, मतलब अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है उसको, अपना कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करने के बाद में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। साथ में Cl अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उसको एक और चाहिए एक्स्ट्रा, तो उसने क्या कर दिया, उससे शेयर कर दिया और Na उसका जो पूरा का पूरा काम है वो पूरा हो गया, यानी कि वो पूरा कंप्लीट स्टेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर होते हैं, नेक्स्ट वाली इमेज में, हाँ ठीक है। पोलर में तो देखिए, सबसे पहले पोलर, नॉन पोलर, पोलर देख लीजिए सबसे पहले। पोलर के अंदर क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है एटम्स की और पार्शियल चार्ज आता है एटम्स के ऊपर। नॉन पोलर के अंदर इक्वल शेयरिंग होती है एटम्स की और आयनिक बॉन्डिंग के अंदर टोटली एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं बॉन्ड, ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था नेक्स्ट वाली इमेज के अंदर किस तरीके से नॉन पोलर पोलर होता है, ओके। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट वाली इमेज के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, हाँ नेक्स्ट वाली इमेज की टेंडेंसी होती है एटम की कि वो कितने मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाता है
और जिस तरीके से आप आगे बढ़ोगे वैसे ही, ठीक है। अरविंद जी कुछ बोल रहे हैं, मैं आपका सुन नहीं पाया एक्चुअली। अरविंद जी आपकी बात आप अभी वापस से बोल दीजिए, वैसे मैं सुन नहीं पाया। बाकी आप देखिए, आपके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट है ना, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से होगा। और ठीक है, आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, मेजरली ए इसका पोलर, ठीक है, पोलर होना चाहिए, पोलर कोवलेंट, क्योंकि पार्शली उसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं चार्जेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, विच ऑफ दिस इज नॉट ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है कि एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज को एडिशन करवाना, डिलीट करवाना, उसको रीअरेंज करना, ये सारे काम डेटा मैनेजमेंट सिस्टम करता है। तो आपको बताना है इन चार में से कौन सा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। और ठीक है, आकांक्षा जी भी कुछ बोल रही है, सर क्या हुआ आपको, सुन तो लो हमारा क्वेश्चन। तो आकांक्षा जी ने भी कुछ क्वेश्चन पूछा था लेकिन मैं देख नहीं पाया आपके कमेंट में, ठीक है। और जिनके फ्रेंड अगर मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरे को जो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है ना, वहां पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं वहां से आपका आंसर कर दूंगा अगर किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और टेक्निकल क्लासेस के लिए बोल रहे हैं विश्वजीत जी, टेक्निकल क्लासेस जल्दी चलाई जाएगी विश्वजीत जी, थोड़ा भरोसा रखिए, आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम लोग कि आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस स्टार्ट करें। और काफी बच्चे यहाँ पे जो आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर आ रहे हैं बच्चों के, और अभी सही आंसर आ रहे हैं। देखिए डी बिल्कुल सही आंसर है, कॉस्मोस जो है ना वो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, बाकी सारे के सारे डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि साइप बेस है, सैप हाना है, माई एसक्यूएल है, ये सारे के सारे अपने आप में डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। आप देख सकते हैं होता क्या है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, आपके सामने देखिए इमेज पे डेटा मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन है, ये एक प्रोग्राम होते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि अलाउ करते हैं क्रिएट करना, एडिट करना, अपडेट करना, डेटाबेस के अंदर फाइल को स्टोर करना, रिट्रीव करना, और ये सारे काम इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, आपको तीन नाम याद करने हैं ऊपर के, वो तीन जो नाम है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल है और चौथा वाला उसमें से नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोसर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। लोसर फेस्टिवल कौन से स्टेट का फेस्टिवल है ये आपको बताना है। साथ में फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है ना 1 मिलियन कॉन्टेस्ट के बारे में, कि वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप 1 मिलियन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। साथ में वंस इन ए डे कम्युनिटी सेक्शन पे जरूर जाइए, और 24 तारीख को लखनऊ मीटअप के अंदर भी आप लोग आ सकते हैं जो कि लखनऊ के अंदर है, वाईफाई स्टडी की पूरी टीम आपको वहां पे मिलेगी। इसके अलावा जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है फ्रेंड, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन पे प्रेस करें, ठीक है, फिर आपके पास में नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए फ्रेंड, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप वाईफाई स्टडी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आप भी मेहनत करिए और अपने जो एम है, जो ड्रीम है, उसको पूरा करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, यहाँ पे देखिए जो ये लोसर फेस्टिवल है ना, ये एक्चुअली क्या तिब्बत का फेस्टिवल है। तिब्बत में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपना न्यू ईयर जो सेलिब्रेट करते हैं वो फरवरी मार्च में करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली। जो हमारा जो अभी जो क्रिश्चियन कैलेंडर है ना, इसके अंदर फरवरी मार्च में उनका न्यू ईयर आता है, और जब तिब्बत वालों का न्यू ईयर आता है तब वो ये लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, और जहां जहां पे तिब्बत वाला कल्चर है वहां वहां पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि सिक्किम, लद्दाख, थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो लद्दाख भी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी आपका सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे सिक्किम दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा, ठीक है, सिक्किम इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आपको पता है ना, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों का सिक्किम, और रांची भी बिल्कुल आएंगे आनंद जी, रांची आने के लिए बोल रहे हैं आनंद जी, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड आप सभी का। और आप देख सकते हैं इमेज जो ये डांस है, इस तरीके का यहाँ पे गेटअप कर किया जाता है, ओके, सिक्किम के अंदर इस वाले फेस्टिवल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया इकोनॉमिक्स का एक न्यूमेरिकल, और बड़ा ही सिंपल सा था, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के बारे में पूछा गया, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी होती होगी अगर GDP दे रखी है, बाकी सब चीजें दे रखी है। देखिए सिंपल सा सवाल है, हमें करना क्या है, अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पता करनी है तो हमें क्या करना है, GDP में से माइनस करना है क्या क्या चीजें, जैसे कि आपको दे रखा है, सबसे पहले तो कंज्यूमर स्पेंडिंग,
कंज्यूमर स्पेंडिंग, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है इन्वेस्टमेंट के बाद में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट दे रखा है, और माइनस इंपोर्ट। ओके, ये आपके गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक फॉर्मूला है जो कि मैंने बनाया है। इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है ना, जीडीपी है, वो 1315 है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पूछी गई है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश में कितनी प्रोडक्ट और सर्विसेज हमने प्रदान करी है एक साल के अंदर, वो हमारी जीडीपी है। 1315 बोला गया है। और इसके अलावा अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करें तो कितना है? 900 है। इन्वेस्टमेंट 180 है, प्लस जो एक्सपोर्ट किया है हमने वो 85 का किया है, और साथ में इंपोर्ट हमने 100 का किया है। इंपोर्ट का तो काटना पड़ेगा ना, एक्सपोर्ट किया है यानी कि अच्छी बात है, इंपोर्ट में हमको पैसा चुकाना पड़ा है तो वो हमें हटाना पड़ेगा। 1315 माइनस ये हो गया आपका 5, 8, 16, ठीक है, 16 के बाद 10, 11, इतना कुछ हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, 2 हो जाएगा यहां पे, और माइनस फिर 100, ठीक है। उसके अलावा इसको 2 करो और इसको हटाओगे तो आपका कितना आएगा? 250 आएगा पूरा करने के बाद में। तो आपका आंसर क्या होगा? 250 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उम्मीद है आपने जो आंसर यहां पे पिक किया है, $250 मिलियन, यानी कि बी आपका यहां पे सही आंसर होगा। सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, इससे आपके इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आपके वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। काफी बच्चों ने जो आंसर दिया है चेक कर लेते हैं, काफी बच्चों ने 2 महीने के साइलेंस के बाद चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, और काफी बच्चों ने यहाँ पे आंसर तुक्के मारे हैं वैसे तो। और गुरु तन्या जी बोल रहे हैं नेशनल गेम ऑफ इंडिया, नेशनल गेम कोई भी नहीं है देश का, हमारे नेशनल गेम कोई भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर लोगों को लगता है कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन वो नहीं है। हॉकी में हमारे इतिहास बड़ा अच्छा था इसलिए हमने उसको हॉकी मान लिया, ठीक है। और ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 250 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन, स्टैगफ्लेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पहले भी कवर अप कर चुके हैं। जब किसी भी जगह पे मार्केट की हालत बिल्कुल खराब हो रखी हो ना, तब उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। एक तो होता है इन्फ्लेशन, एक होता है उससे भी खराब होता है स्टैगफ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा ऊपर हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। उसके अलावा जो बिजनेस है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। ये सब जो पैसे की वैल्यू है, लोगों के पास वैल्यू, वो बहुत कम हो गई है। इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि लोगों के पास में पैसा ज्यादा तो हो जाता है, लेकिन कमोडिटीज महंगी हो जाती है और जो वैल्यू है प्राइस की वो कम हो जा, जो वैल्यू है मनी की वो कम हो जाती है। अगर हर किसी के पास 1-1 करोड़ रुपए होगा तो 1 करोड़ रुपए कोई मायने रखेगा क्या? नहीं रखेगा। इसका मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन आ चुका है, ये होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, आपका होगा प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस बट आउटपुट डिक्रीजेस, बी इसका सही आंसर होगा। प्राइस तो इंक्रीज करती है लेकिन आउटपुट जो है ना वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। इन्फ्लेशन में यही तो होता है कि मैं 1 लाख रुपए ले जाके 1 लाख रुपए की एक ब्रेड खरीद रहा हूँ, तो यानी कि प्राइस इंडेक्स तो बढ़ गया लेकिन जो आउटपुट मुझे मिला वो क्या मिला? वो बड़ा खराब मिला। तो स्टैगफ्लेशन उसी कंडीशन का एक हिस्सा है। आंसर क्या होगा? बी आपका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं इमेज होगी आपके सामने, ये स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो है। जीडीपी नीचे, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर, अर्निंग नीचे, इन्फ्लेशन ऊपर, ठीक है। तो आंसर क्या है? बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही कहा है। काफी बच्चों ने यहाँ पे बिल्कुल सही है, नवीन जी ने भी बिल्कुल सही कहा है। और कन्यान जी बोल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट, तो देखिए क्वेश्चन आने दीजिए, पहले मैं समझा चुका हूँ, क्वेश्चन आएगा फिर वापस से हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कान्हा टाइगर रिजर्व कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, देश में 50 टाइगर रिजर्व है और उसमें से दुनिया में 70% टाइगर हमारे देश में है। सबसे ज्यादा टाइगर कर्नाटका के अंदर है। और आज के सुबह के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया ये सब कि अभी रिसेंटली 7 दिन का जनगणना स्टार्ट हुई है उड़ीसा के अंदर टाइगर की। पेपर में पूछ सकते हैं आने वाले टाइम में। उड़ीसा ने 7 दिन के लिए जनगणना स्टार्ट करी है, 1000 कैमरा लगाए हैं। सिमीफाल, भितरकनिका नेशनल पार्क है, भितरकनिका टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वहां पे आपके सामने मैप में देख सकते हैं कई सारे टाइगर रिजर्व है जो कि मैंने आपको दिखा रखे हैं। कहां पर है कान्हा? मध्य प्रदेश के अंदर। तो आंसर क्या होगा? काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है, यानी कि डी, ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है।
तो बिल्कुल सही है बच्चों ने, देखिए आपने कम से कम नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें तो आप बहुत स्ट्रांग हो गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि डिप्लेट कर रही है ओजोन लेयर को। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता है ना, कुछ तो नेचुरल होती है, कुछ हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस से होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। हमारे अर्थ के बाहर एक चक्र बन चुका है, जो रेडिएशंस आती है अल्ट्रावायलेट, उसको टकरा के हीट को वापस जाना होता है एयर में, वो जाने नहीं देती है ये सारी गैसेस। तो हमारा जो एक अर्थ है वो एक गैस के चेंबर की तरह बनता जा रहा है। ठीक है, आपके सामने एक इमेज होगी जिसमें आप देख सकते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से ही होता है, जो आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेस है, नेचुरल होगी तो बेनिफिशियल है, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस की वजह से हम रहने के लायक है, वरना अभी क्या होता -18 डिग्री टेम्परेचर होता हमारी अर्थ का। ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से अभी प्लस में 15 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जो आर्टिफिशियल है ना ग्रीन हाउस गैसेस, वो बड़ा नुकसान कर रही है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब। अब देखिए यहाँ पे जो आ तो रही है सनलाइट, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पा रही है, इससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ट्रैप बन रहा है। CO2 देख रहे हो ना आप राइट हैंड साइड के ऊपर, ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेचुरल वाले में देखिए सनलाइट टकराई और आराम से बाहर चले गई, कितना अच्छा हुआ, लेकिन ह्यूमन वाले में देखिए कितना नुकसान हो रहा है। आ तो रही है लेकिन जा ही नहीं पा रही है, और जाएगी नहीं तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, अभी यही तो होता है 8-10 अभी 11-12 महीने में से 8 या 9 महीने 10 महीने तक तो समर ही होने लग गया। अब तो समर वेकेशन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा ही समर ही समर होता है अब तो। ठीक है, सर्दियां तो बहुत कम हो गई है। आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का सही आंसर होगा। आपके सामने एक इमेज और होगी जिसमें आप देख सकते हैं, एक तो नेचुरल वाली है ग्रीन हाउस गैस। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए ना कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आप आंसर क्या करोगे, वाटर वेपर आंसर करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैनमेड ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज्यादा कौन सी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान भी कर रही है ओजोन लेयर को। तो आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और काफी बच्चों ने यहां पे सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही कहा है आकाश जी ने, बिल्कुल 900 कैमरा लगाए हुए हैं। ओके, बिल्कुल सही है। सुबह के 8 बजे का करंट अफेयर जरूर अटेंड करें फ्रेंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी कुछ आपको उसमें करंट अफेयर के अलावा जीके भी सीखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि आपसे पूछा गया, ABM स्टैंड्स फॉर, ABM क्या होता है, ABM क्या होता है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अभी देखिए अगर आपको पता नहीं होगा तो एक्चुअली होता क्या है कि जो जितने भी डेवलप्ड कंट्री, डेवलप तो नहीं बोलेंगे, जो जो डिफेंस के अंदर स्ट्रांग देश है, वो सब क्या करते हैं, अपना एक सिस्टम लगा के रखते हैं, जिससे अगर कोई भी उनके ऊपर मिसाइल छोड़ता है ना, तो उनको पता चल जाता है सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट हाउस स्टेशन के ऊपर सिग्नल भेजता है, और फिर वहां से एक और मिसाइल लॉन्च होती है, और इधर से आने वाली मिसाइल को हवा के अंदर ही मार के खत्म कर देती है, उसको हम कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। आंसर क्या होगा, ABM उसी को तो बोलते हैं, यानी कि आंसर क्या होगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, अभी एक मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, अब वो इमेज के थ्रू समझिए। अब देखिए मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ने कल को क्या किया, ठीक है, पाकिस्तान ने एक मिसाइल छोड़ी, मिसाइल छूटने के बाद में ऊपर की तरफ देखिए सैटेलाइट है, ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए सैटेलाइट सिस्टम है ना, ठीक है, सैटेलाइट को पता लगा कि इंडिया की सैटेलाइट को कि क्या किया गया है, एक वो आया है, ओके, कि कोई एक है ना हीट क्रिएट हुई है मिसाइल की, और उस हीट की वजह से क्या हुआ है, सैटेलाइट को पता लग गया, सैटेलाइट ने जो रडार है उसको इन्फॉर्मेशन दी, रडार ने हाउस स्टेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी, हाउस स्टेशन ने हाथों हाथ सिग्नल दिया डिफेंस सिस्टम को, पृथ्वी डिफेंस सिस्टम, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है PAD, पृथ्वी डिफेंस सिस्टम को, कि एक कोई मिसाइल आ रही है और एक मिसाइल यहां से जानी चाहिए, तो उस टाइम पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल निकलेगी और हवा में पाकिस्तान वाली मिसाइल को खत्म कर देगी। अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो हमारी जो कैपेबिलिटी है वो 80 किलोमीटर के आसपास है, एयर के अंदर 80 किलोमीटर पहले हमारी बॉर्डर से हम किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, US के बाद में अगर मैं बात करूं, US, रशिया, फ्रांस, 2-4 देश ये जिनके पास में ये सिस्टम है, और हमने खुद ने ये डिजाइन किया हुआ, ये PAD पैड सिस्टम, ठीक है, पृथ्वी एयर डिफेंस इसको हम कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है एंटी बैलिस्टिक। इसके अलावा और इमेज होगी आपके सामने, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
हाँ यही एक एकमात्र इमेज है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे जो आपका आंसर है वो तो डी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो पूछा गया वीनस को लेके, सोलर सिस्टम में कौन सा साइज है। कल भी मैंने आपको बताया था, अब तो आपको याद हो गया होगा ना। कोई भी गलत नहीं करेगा ऐसे क्वेश्चन को, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। वापस से मैं आपको साइज के बारे में बता रहा हूं। याद कैसे करना है, ऑर्डर मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट, माइकल जॉर्डन या माइकल जैक्सन, सन, ये हमारा ऑर्डर है। इस तरीके से हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, मार्स और मरकरी। तो वीनस पूछा गया है, तो कौन से नंबर पे, छठे नंबर पे, और आपसे ऑप्शन कौन से नंबर पे, बी पे है। बिल्कुल सही, सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है, 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पहले कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ को मेजर किया। सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बच्चों का यहां पे आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, एरिस्टोस्टैटिनिस। ठीक है, एरिस्टोस्टैटिनिस वो पर्सन थे जिन्होंने सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ को सबसे पहले बताया। आंसर क्या है यहां पे, सी आपका सही आंसर है। आपके सामने एक इमेज होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, 230 बीसी के अंदर इन्होंने पता किया था, कैलकुलेट किया था सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। और आइडिया इन्हीं को उस टाइम पे पता होता कि अर्थ राउंड है, लेकिन मेजर इन्होंने ही किया था, तो बहुत पहले किया था। और एरिस्टोस्टैटिनिस आपको नाम ध्यान रखना है, पेपर से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट ह्यून इन्वेजन टू प्लेस, ह्यून का इन्वेजन कब हुआ था। आपको पता है ना, ह्यून्स कहां पे थे, सेंट्रल एशिया वाले एरिया में रहते थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया वाले एरिया के अंदर ह्यून्स थे, जो कि हमारे इंडिया के अंदर आए थे गुप्तास के टाइम पे, और उन्होंने इंडिया में अटैक किया, इंडिया के कुछ एरिया को जीत भी लिया। उस टाइम पे गुप्तास यहाँ पे थे, तो गुप्तास से सामना हुआ स्कंदागुप्त का, स्कंदागुप्त ने इनको हरा दिया, उसके बाद में इनका कैंपेन वहीं पर ही रुक गया। तो अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताई दिया गुप्तास, तो यानी कि ए या फिर बी में से आंसर होगा। स्कंदागुप्त भी बता दिया, यानी कि वो तो आखिरी में थे गुप्तास के, तो यानी कि आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। 458 AD के अंदर, ठीक है, ह्यून्स भारत के अंदर आए थे और उन्होंने अटैक किया था। आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। काफी लोगों ने गलत आंसर किया है। ठीक है, आपके सामने इमेज होगी, आप देख सकते हैं ना। देखिए किस तरीके से ये लोग आए थे, आपके सामने कितनी अच्छी इमेज है। सेंट्रल एशिया से इंडो हेप्टलाइसिस इनको कहते थे, जिनका शॉर्ट में नाम था ह्यून्स। तो उन्होंने गुप्ता एम्पायर पे अटैक किया था, जब गुप्ता एम्पायर यहाँ पे था। नेक्स्ट इमेज देखिए, जिसके अंदर और भी कुछ चीजें बता रखी है, गंगा रिवर तक इन्होंने कैप्चर कर लिया, उसके बाद में और आगे बढ़ते गए, फिर आखिरी में आके स्कंदागुप्त से इनको लड़ाई हुई। इनका लीडर कौन था, तोरा माना, तोरा माना नाम का इनका लीडर था, जिससे स्कंदागुप्त की लड़ाई हुई और स्कंदागुप्त ने उनको हरा दिया और उनका आक्रमण वहीं पे खत्म हो गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, अविनाश जी कंफ्यूज हो गए ए और बी के अंदर, बिल्कुल सही है। स्वप्निल जी बोल रहे हैं एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। जीरो से आगे एडी होता है, जीरो से पीछे बीसी होता है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त से रिलेटेड पूछा गया, चंद्रगुप्त कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे। सभी को पता ही है ना, चंद्रगुप्त बिंबिसार, उसके अलावा फिर चंद्रगुप्त बिंदुसरा, उसके बाद में अशोक, उसके पीछे फिर बाकी सारे लोग। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कुछ एक नाम जो कि मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। आंसर तो आपको पता ही है, मगध डायनेस्टी का एक पार्ट था मौर्य डायनेस्टी। मौर्य के अंदर कौन थे, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त एक मत समझ लीजिएगा, चंद्रगुप्त एक तो गुप्तास के टाइम पे भी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, वो यहाँ पे मौर्य थे, मौर्य डायनेस्टी के थे। ठीक है, दोनों के बीच में 800 साल का अंतर है, एक मत कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मगध के बारे में, अब देखिए मगध की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी, उसके उसके अंदर बिंबिसार और अजातशत्रु। सेकेंड वाली कौन सी डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, जिसके अंदर महापद्मानंदा और अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ। उसके अलावा फिर मौर्य एम्पायर, जिसमें ठीक है मौर्य के अंदर आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ये सब आए गए। सेकंड वाली देखिए इमेज, अब ये सारे के सारे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, दशरथ, संप्रीति,
शशि साली शुखा देवरमन और आखिरी में बृहद्रथा। अब देखिए आपके लिए सारे के सारे नाम याद करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए आपको सिर्फ चार नाम याद करने हैं, ऊपर के तीन और आखिरी वाला मौर्य, बिंदुसार, अशोका और आखिरी बृहद्रथा। ये चार नाम आपको याद करने हैं, इसके अलावा आपको याद नहीं करना है। शिवी जी बोल रहे हैं करंट अफेयर के लिए 2-3 दिन में करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है 2-3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, 7-8 महीने का करंट अफेयर होगा, उसके बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक स्टोव का इन्वेंशन किसने किया, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक स्टोव कौन पूछता है भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछ लिया ताकि 50 में से 50 मार्क्स ना आए बच्चों के, एसएससी की इज्जत बची रहे, लेकिन अगर इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो रिपीट होंगे और 50 में से 50 भी आप जरूर ला पाएंगे। इलेक्ट्रिक स्टोव की बात करें तो कॉपमैन वो करके पर्सन थे, कॉपमैन जिन्होंने इलेक्ट्रिक स्टोव का इन्वेंशन किया था। आंसर क्या होगा, ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ए आपका सही आंसर होगा। और फाइलम का वीडियो के लिए बोल रही रेशमा जी, फाइलम का वीडियो भी आपको 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, परसों मैं आपके लिए, कल सैटरडे है ना, कल मैं आपके लिए फाइलम का वीडियो बना दूंगा, ठीक है कल मैं आपके लिए फाइलम का वीडियो बना के कल शाम तक कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूं, अपलोड कर दूं, ठीक है। और फ्रेंड्स जिन लोगों ने को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, जितना सब्सक्राइब करेंगे जितना आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा और उतने ही बच्चों तक ये एजुकेशन पहुंचेगी, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को करना। तो पीडीएफ के लिए आप GK24 डाउनलोड कर सकते हैं, GK24 में आपको पीडीएफ विद आंसर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो सेकंड वाला ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है, पहला वाला तो आपका आंसर हो गया, ठीक है सेकंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने पियानो का इन्वेंशन किया था, जो बार्टोलोमियो जो बी ऑप्शन है, इन्होंने पियानो का इन्वेंशन किया था। इसके अलावा लियोनार्डो डी विंसी के बारे में आपको बताइए, लियोनार्डो के बारे में आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये तो पियानो के इन्वेंटर है। नेक्स्ट देखेंगे अगर आप सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन लियोनार्डो डी विंसी, तो इन्होंने एनीमोमीटर का किया, हेलीकॉप्टर का किया, फ्लाइंग मशीन, पैराशूट और साथ में टैंक, ये सारे के सारे इनके इन्वेंशन थे। इन्होंने पेंटिंग बना रखी थी उस टाइम पे, ओके जब इनका इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। उसके अलावा नेक्स्ट वाला जो है फिलिप जो है वो इन्होंने इलेक्ट्रिक फैन का इन्वेंशन किया है, फिलिप ने किसका किया, इलेक्ट्रिक फैन का इन्वेंशन किया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है पेपर में, इसमें से कौन नेक्स्ट वाला जो सेट होगा ना, इसी में से चार ऑप्शन में से एक को घुमा के वापस से क्वेश्चन बना देंगे, इस तरीके से सवाल बनते हैं CHSL के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपसे पूछा गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। सिंपल सा सवाल है, कई बार कवर अप कर चुके हैं, हाइड्रोमीटर पढ़ा था ना पहले, हाइड्रोमीटर का एक नाम और होता है, ठीक है एरियोमीटर हम उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं। उम्मीद है आप इसका आंसर सही करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारे ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइड्रोमीटर बोल लीजिए या फिर एरियोमीटर बोल लीजिए, दोनों क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करेंगे। पहला वाला ऑप्शन है आपका बाथ मीटर, ये आपके बाथ या मीटर, ये आपकी डेप्थ मेजर करने के काम आएगा, डेप्थ मेजर करने के काम आएगा, डेप्थ ऑफ वॉटर, ठीक है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है कार्डियोमीटर, कार्डियोमीटर जो काम आता है वो आपके लो टेम्परेचर, बहुत कम जो लो टेम्परेचर होते हैं ना उसको मेजर करने के काम में आता है। तीसरा वाला आपका आंसर है ही, चौथा वाला है साइनोमीटर, साइनोमीटर काम में आता है आपके इलेक्ट्रिक जो वेव्स होती है ना, इलेक्ट्रिक वेव्स उसको मेजर करने के लिए, ठीक है इलेक्ट्रिक वेव्स को मेजर करने के लिए साइनोमीटर काम में लिया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं और पेपर में इसमें से कुछ भी गलत नहीं करना है, ठीक है और बिल्कुल सही है, काफी बच्चों ने यहां पे सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद, यानी जो कार्डियोजेनिक्स है वो कौन सी ब्रांच है जो कि फिजिक्स से डील करती है, ठीक है। और काफी बच्चों ने यहां पर आंसर सही दिया है, ठीक है कार्डियोजेनिक्स की तरफ आप देख सकते हैं, कार्डियोजेनिक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, कार्डियोमीटर कार्डियोजेनिक की स्टडी है और जो कि लो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो आंसर क्या होगा आपका, बी आपका सही आंसर होगा, वेरी लो टेम्परेचर, तो कार्डियोजेनिक्स कार्डियोमीटर की स्टडी होती है जिसमें लो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, ओके सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है। अब देखिए ये क्वेश्चन की बात करी गई है जब भारतीय संविधान बना था, आपको पता ना 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंटली 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल हो चुके हैं, 6 एनेक्सर्स है, तो आंसर क्या होगा 395। सिंपल सा है, 395 यानी कि बी आपका सही आंसर होगा, डी 395। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है किसी को कोई भी दिक्कत आएगी इससे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 31A के बारे में पूछा गया है। ओके 31A देखिए सिंपल सा एक फंडा बता देता हूं, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। अगर आपसे एक आर्टिकल का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है ना उसके बीच में, तो बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार बच्चों को कि लगता है कि क्या पूछ लिया। आपको पता है ना 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, 36 से लेकर 51 तक फंडामेंटल ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपसे 12 से 35 के बीच में 31A पूछ लिया गया है तो क्या बड़ी बात कर दी गई है, फंडामेंटल राइट ही तो है आंसर इसका। तो आंसर क्या पूछा गया है यहाँ पे, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आपको कल को बोलते भाई आर्टिकल 41 का बताइए कौन सा क्या है, तो 36 से क्या बनता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल से ना, क्या दिक्कत है, डायरेक्टर प्रिंसिपल आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने, सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल नेम सचिन तेंदुलकर का क्या है, सभी को पता ही है। सचिन तेंदुलकर का बायोडाटा दिखाता हूँ आपको, बायोडाटा देख लीजिए सचिन तेंदुलकर का, सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने है, ठीक है, आपके सामने इमेज होगी एक, ठीक है, आप देखिए सचिन तेंदुलकर की एक इमेज होगी, इसमें पूरा बायोडाटा है सचिन तेंदुलकर का। अब इसमें हाइट वाइट जो भी आपको जानना है सब जान लीजिए, जिनको नहीं पता है सब देख लीजिए। सचिन रमेश, निकनेम भी पूछते हैं, लिटिल चैंपियन किसको कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर किसको कहते हैं, टेस्ट में और वनडे में, ठीक है, दोनों के अंदर सबसे ज्यादा रन इन्हीं के ही है अभी तक, और सेंचुरीज भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन द लोलैंड किताब के बारे में पूछा गया। लोलैंड किताब बड़ी फेमस किताब है, नेमसेक भी बड़ी फेमस किताब है, पहले ही सवाल आ चुका है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ झुम्पा लाहिरी के बारे में। झुम्पा लाहिरी है जिनकी ये किताब है और बड़ी ही फेमस किताब है। पहला वाला अमिताभ घोष, ठीक है, आंसर है नहीं। किरण देसाई को बुकर प्राइज मिला है, आपको पता ही है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किताब थी आई गेस, जिसके लिए उनको प्राइज मिला था। डी वाला ऑप्शन है अरविंद अडिगा, इनको भी बुकर प्राइज मिला हुआ है, द व्हाइट टाइगर के नाम से इनकी किताब थी। झुम्पा लाहिरी है, इनको काफी अवार्ड मिले हैं, और साथ में इनकी जो लोलैंड किताब है ये बड़ी फेमस है, आप देख सकते हैं इसका कवर पेज, आपके सामने कवर पेज होगा इसका झुम्पा लाहिरी का, ठीक है, लास्ट पेज भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि द नेमसेक, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है इसके बारे में। इसके अलावा इंटरप्रेटर ऑफ द मालदीव्स, इसके अलावा अनअकस्टम अर्थ, और साथ में द लोलैंड, ये चार किताबों के नाम याद करने हैं, इंटरप्रेटर, अनकस्टम्ड और साथ में द नेमसेक। ओके, ये चार नाम आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपके 25 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको काफी पसंद आए होंगे, काफी कुछ आपने नया सीखा होगा। दोस्तों के साथ में लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस मुहिम को वाईफाई स्टडी की कोने कोने तक लेके जाने में मदद करें जिससे साक्षरता लोगों तक पहुंचे। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।